हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर वन है सेकंड सेमेस्टर एमए का और पार्ट हो गया है 16 वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, तो 16 आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 16 वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, उनको स्किप कराया है। उसका कारण था कि उसकी प्रिंटिंग गड़बड़ थी, जिसके कारण उन क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया है। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, और ये क्वेश्चन जहाँ तक है रिपीट भी हो रहा है। मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया हुआ है। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को कुल 3 कालों में विभाजित किया गया है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो हो जाएगी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इंडिया, और ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1817 में भारत का इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन है? तो ये जेम्स मिल ही थे जिन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालों में विभाजित किया था। तो उत्तर हमारा जेम्स मिल हो जाएगा। ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए? तो ये बनाए गए थे अभिलेखागार हो जाएगा, और दूसरा संग्रहालय। तो ऑप्शन 100 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती है? तो कौन सी जानकारी प्राप्त होती है जनगणना के माध्यम से? उपरोक्त सभी हो जाएगा। लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनका व्यवसाय, ये सभी जानकारी हमें मिल जाती है। देश का शासन अच्छी तरह से चलाने के लिए अंग्रेजों ने किन बातों पर विशेष बल दिया? तो सर्वेक्षण पर उन्होंने विशेष बल दिया था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा। सशस्त्र भेंट किसको कहा गया है? तो सशस्त्र भेंट कहा गया है शास्त्र भेंट किसको कहा गया है? तो ये हो जाएगा प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1920 में। इसके बाद एक वक्त में इतिहासकार किन चीज़ों के जादू में खोए रहते थे? तो तारीख का हो जाएगा ऑप्शन व हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? तो ये हो जाएगा सारे भूभाग पर कब्जा। जेम्स मिल किस देश का था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन कालखंडों में विभाजित किया? तो उपरोक्त सभी में विभाजित किया था। जेम्स मिल के भारत इतिहास विभाजन का आधार निम्न में से क्या था? तो ये था धर्म। धर्म के आधार पर इसने इतिहास को विभाजित किया था। पश्चिम में आधुनिक काल का निम्न में से कौन सा आधार माना गया? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आधुनिक काल के समाज की विशेषता निम्न में से है, लोकतंत्र हो जाएगा ऑप्शन ब हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिकृत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, तो बाजार में प्रचलित पुस्तकें अधिकृत रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आती हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो औपनिवेशिक काल के या औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। अधिकृत रिकॉर्ड से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सरकारी अफसरों की सोच के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो अधिकृत रिकॉर्ड है उससे हमें सरकारी अफसरों की सोच के बारे में जानकारी मिल जाती है। भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित करते हैं? तो ये विभाजित करते हैं 3 कालखंडों में। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल के रूप में विभाजित करने वाला अंग्रेज जेम्स मिल था। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
मैकाले ने 2 फरवरी 1855 को विवरण पत्र लिखा जिसमें आंग्ल भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ बताया गया तथा निम्न की साक्षी है। तो यहाँ हो जाएगा विज्ञान और साहित्य और विज्ञान, 100 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा की मांग को सन 1883 तक लोक शिक्षा समिति द्वारा निम्न से जोड़ दिया गया, तो ये हो जाएगा आगरा कॉलेज व कलकत्ता मदरसा से हो जाएगा। लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई, तो ये स्थापना हुई 1823 में, ऑप्शन 100 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सन 1833 में अंग्रेजों की लोकप्रियता के कारण थे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैकाले के विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा के प्रसार में पथ प्रदर्शक किसने कहा, तो ये कहा है नुरुल्ला और नायक ने, ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृत कब दी गई, तो ये स्वीकृति प्राप्त हुई है 7 मार्च 1935 में, 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अंतिम क्वेश्चन था और हमने अपना पेपर सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये वीडियोस बहुत ही शॉर्ट वीडियोस हैं, आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उससे सूचना आसानी से आप तक पहुँच सकें। टेक केयर एंड बाय बाय।